नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, अभी अभी नई खबर आ रही है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम, जो आपका संस्कृत विभाग वाला था स्टूडेंट, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। संस्कृत विभाग एग्जाम स्टूडेंट अभी आपका पोस्टपोन्ड हो गया है। तो स्टूडेंट अब ये एग्जाम डेट कब है स्टूडेंट? अभी एग्जाम डेट आपके 12/2/23 से 16/2/23 के बीच में स्टूडेंट आपके ये संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड एग्जाम कंडक्ट होगा। क्योंकि स्टूडेंट ये बात बहुत पहले ही डिसाइड थी कि भाई 29 तारीख को जो पेपर लीक हुआ है उसका जीके का पेपर और संस्कृत डिपार्टमेंट दोनों के पेपर जो है वो आपस में कोलाइड हो रहे थे, इसलिए स्टूडेंट बहुत जरूरी था कि ये पेपर जो है वो आगे जाना ही था, है ना। हमने हमारे पहले कुछ पिछले वीडियो में इस बात को डिस्कस किया था कि दोनों पेपर एक साथ 29/1 को कैसे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी भी नई खबर आ रही है कि 12/2 से 16/2 के बीच में आपके संस्कृत विभाग का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। इसका जो पूरा विस्तृत सिलेबस स्टूडेंट वो अभी तक नहीं डाला गया है, मतलब लगता है बहुत जल्दी इसका डिटेल एडवर्टाइज भी आपके सामने पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट अभी भी आपके पास में आज से भी पूरा एक महीना है कि जो लोग केवल संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे थे सेकंड ग्रेड की, उनके पास स्टूडेंट अभी भी पूरा एक महीना है कि वो पूरा दमखम लगाकर और अपनी तैयारी करें और स्टूडेंट सफलता इसमें पाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी निराशा वाली बात भी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है वो संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड के साथ साथ पैरेलल रिट की भी तैयारी कर रहे थे। अब उनके लिए थोड़ी सी और ज्यादा मुसीबतें हैं, क्योंकि यहां से आपके पास केवल 10 दिन और बचेंगे। मान लो कि अगर मैथ्स का एग्जाम लास्ट डे में कंडक्ट हुआ तो आपके पास केवल 10 दिन बचेंगे स्टूडेंट। तो ये एक थोड़ी सी खबर ऐसी है जो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट के लिए थोड़ी समस्या जरूर खड़ी करेगी कि सर अब रिट की तैयारी कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट अब सीधी सी बात है कि अब आप दो एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं, या तो आप रिट की तरफ जाएं पूर्ण रूप से, या फिर स्टूडेंट अब आप जाएं सेकंड ग्रेड की तरफ। क्योंकि यहां से अगर आप पूरा जीके का पेपर देने के बाद में अगर आप पूरा मैथ्स की तरफ ही जाते हैं तो स्टूडेंट 12/16 के बीच समय फिर आप रिट को समय नहीं दे पाएंगे, 10 दिन में रिट नहीं हो पाएगा 16 तारीख के बाद। तो स्टूडेंट अब बिल्कुल समय आ चुका है, क्लियर कट है कि आपको दो में से एक सेलेक्ट करना है, या तो आप संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की तैयारी करें अथवा आप रिट की तैयारी करें। दो नावों पर पांव रख करके स्टूडेंट कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती है, ये बात कन्फर्म है, ये मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, क्या आपको ये बात पहले से डिसाइड हो जानी चाहिए थी कि मुझे क्या किसकी तैयारी करनी थी? अभी ये यक्ष प्रश्न फिर खड़ा हो गया है आपके सामने आकर के। तो स्टूडेंट अभी तो आप 29 तारीख का जो जीके उसकी तैयारी कीजिए, वहां भी आपको ग्रुप सी और ग्रुप बी दो में आपको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। मैथ्स वालों का शाम को है 2:30 से 4:30, सभी को पता चल गया होगा स्टूडेंट। लेकिन ये अभी लेटेस्ट और न्यू खबर है जो कि आपको पता मैंने अभी बताई ये वाली। और स्टूडेंट 1200 मोस्ट एमपी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है ना। और जब रिजल्ट आएगा तो स्टूडेंट एक शानदार रिजल्ट देंगे हम। ठीक है, तो स्टूडेंट आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।